अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो का टॉपिक है स्किन से रिलेटेड, हम अपनी स्किन का ख्याल कैसे रख सकते हैं। जैसे हम अपनी बॉडी केयर करते हैं, हेयर केयर करते हैं, इस तरह हमें अपनी स्किन की भी केयर करनी चाहिए। अगर आप अपनी स्किन की केयर करते हैं तो अर्ली एजिंग साइन से बच सकते हैं, पिगमेंटेशन से बच सकते हैं और फ्रेकल्स और फाइन लाइन से बच सकते हैं। आपको ये थोड़े टाइम बाद आएंगी जो कि आपको अर्ली स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो बहुत ही इजी स्टेप्स के साथ आई होप कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आएगी। अभी का जो मैं स्किन रूटीन बता रही हूँ ये मैं अभी मिड सीजन की बता रही हूँ, जैसे कि अभी बहुत ज्यादा गर्मी भी नहीं है और बहुत ज्यादा सर्दी भी नहीं है, मिड में सीजन चल रहा है तो इसके अकॉर्डिंग बता रही हूँ। तो आई होप कि आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो क्लियर हो जाएंगी, स्किन पे जो ड्राइनेस या इरिटेशन होने लग जाती है, आपको किसी भी चीज से फौरन से एलर्जी होने लग जाती है। तो आज की वीडियो में इन सब प्रॉब्लम का सोल्यूशन मैंने कोशिश की है कि सॉल्व कर सकूं। तो काइंडली वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि कोई भी स्टेप आप मिस ना करें, और अगर आपको इनमें से कोई प्रॉब्लम है तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। आ रही हूँ, जैसे कि हम सुबह उठते हैं तो हमारे ये टी जोन पे ऑयल आया हुआ होता है, चिन के नीचे ऑयल आया हुआ होता है, तो इसके लिए यहाँ पर हमें ब्लैक हेड्स भी होते हैं, जैसा कि अपर लिप्स के लोअर लिप के नीचे ब्लैक हेड्स होते हैं या नोज के एरिया पे। तो आपने फेस वॉश नहीं करना है, आपने डायरेक्ट उठ के ये लेना है क्लीन एंड क्लियर का। इसकी छोटी पैकेजिंग भी मिल जाती है, ये बहुत ही जबरदस्त है ब्लैक हेड्स के लिए। जिन लड़कियों को छोटे छोटे से बारीक वाले ब्लैक हेड्स होते हैं ये उनको भी निकाल देता है। और ये कंपनी क्लेम करती है कि ये ऑयल फ्री है, मतलब अगर आपकी स्किन ऑयली है तो भी आप इसको यूज कर सकते हैं और इसका जो रिजल्ट है वो आपको एक दिन में ही मिलता है, मतलब आप जब इसको यूज करेंगे उसी टाइम ही इसका आपको रिजल्ट मिलता है। ये बहुत ही जबरदस्त है, लेकिन इसकी थोड़ी सी स्मेल जो है वो थोड़ी स्ट्रांग है, तो ये थोड़ी सी आपको बर्दाश्त करनी पड़ेगी। लोकल मार्केट से आपको ये बहुत ही इजीली मिल जाएगा। थोड़े से कॉटन पैड पे आपने इसको लेना है और आपने अपने नोज के राउंड या जहां पर आपको ब्लैक हेड्स का इश्यू है आपने इसको अच्छी तरह से वहां पर स्क्रबिंग करनी है इसके साथ, ठीक है। यूं अच्छी तरह से ये चीज, जब आप इसको अच्छी तरह से स्क्रबिंग करेंगे तो ये आपके सारे ब्लैक हेड्स निकाल देगा। अक्सर लड़कियों का बाकी स्किन क्लियर होती है, उनको ब्लैक हेड्स का इश्यू होता है, तो इसके साथ उनके ब्लैक हेड्स और व्हाइट हेड्स आपको इसके ऊपर अभी तो नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन जो मतलब बड़े वाले ब्लैक हेड्स होते हैं तो फौरन निकल जाते हैं, और छोटे वाले ब्लैक हेड्स अगर आप 2 से 3 दिन इसको यूज करें तो ये आपकी स्किन से बाहर निकाल देता है उसको, ठीक है। उसके बाद ये एरिया यहाँ पर आपको होते हैं, और आपने ये काम फेस वॉश करने से पहले करना है, क्योंकि सारी रात जो आपका ये ऑयल इधर स्टक हुआ होता है उसकी वजह से आपकी स्किन सॉफ्ट हो जाती है। तो ये आसानी रहेगी आपको, अगर आप फेस वॉश कर लेंगे तो उसके बाद जो है वो आपकी स्किन से सारा ऑयल निकल जाएगा तो फिर निकलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। उसके बाद फेस वॉश नहीं करना है और डायरेक्ट आपने यूज करना है डॉक्टर राशिल का ये व्हाइटनिंग फेस वॉश है। आप इसको यूज करेंगे, थोड़ा सा इसको लेंगे अपनी फिंगर पे और इसकी आप अच्छी तरह से मसाज करेंगे अपनी स्किन के ऊपर, ठीक है। मैं थ्रू आउट आपको बता रही हूँ कि स्टार्ट से आपने कैसे करना है ताकि जिन लोगों को स्किन से रिलेटेड कोई इश्यूज हैं वो क्लियर हो जाए। अच्छा जी, तो ये जो स्किन फेस वॉश है हमने क्यों यूज करना है, मतलब इसकी जगह कोई और भी आप यूज कर सकते हैं, लेकिन आपने कोशिश करनी है कि वो ब्लैक हेड रिमूवर भी हो और प्लस वो आपकी स्किन की टोन्स को इवन करे, और दूसरी बात ये कि वो आपकी स्किन के ऊपर जितनी भी पिगमेंटेशन है वो उसको फेड करे, जैसा कि ये क्लेम करते हैं। और मैं इसको यूज कर रही हूँ तो इससे काफी ज्यादा मुझे हेल्प हुई है, मेरी स्किन पे काफी ज्यादा पिगमेंटेशन है तो मुझे काफी हेल्प मिली है इसके साथ। थोड़ा सा आपने पानी लेना है या आप रोज वाटर भी यूज कर सकते हैं आपने, ताकि आपके हाथ की जो रनिंग है वो अच्छी सी हो जाए, और इसके साथ आपने अच्छी तरह से मसाज कर लेना है, ठीक है। यूं सर्कुलर मोशन में आपने मसाज करना है ये चीज, मतलब फेस वॉश आप अपने सोप को रिप्लेस करके ये ऐड कर सकते हैं। तो इसके साथ जो है आपको सोप की ही प्राइस में ये पड़ता है, काफी कम सा यूज होता है और रिजल्ट जो है वो काफी अच्छे दे देता है आपको। इनके साथ अगर आप इसका सीरम यूज कर लें तो वो भी काफी अच्छा है, इसी सीरीज का जो है वो सीरम भी आता है और एक डे एंड नाइट क्रीम भी आती है, अगर आप वो यूज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन मुझे इसके रिजल्ट जो है वो ज्यादा अच्छे लगे और इनका सीरम जो है वो भी अच्छा है, ठीक है। इस तरह से आपने सारी क्लेंजिंग कर लेनी है अच्छी तरह से, ठीक है, ताकि सारा ऑयल और डर्ट वगैरह आपके फेस से निकल जाए, या रात को अगर आपने कोई क्रीम लगाई हुई है तो वो आपके फेस से अच्छी तरह से उतर जाए। अच्छा, इसके बाद मैंने इसको क्लीन करूंगी, मैं इसको वॉश नहीं कर रही हूँ,
मैं इसको क्लीन करूंगी बेबी वाइप या टिश्यू के साथ. बेबी वाइप्स जो हैं वो काफी ज्यादा सस्ते पड़ते हैं एज कम्पेयर मेकअप रिमूवर वाइप्स के, तो आप बेबी वाइप्स ले सकते हैं इसको क्लीन करने के लिए. और काफी ज्यादा ये जेंटल होते हैं, आपकी स्किन के ऊपर कोई भी हार्श क्रिएट नहीं करते, तो इसलिए काफी ज्यादा आपका जो है डर्ट निकालता है. क्योंकि जब आप वॉश करते हैं ना अपना फेस, तो वो पानी बिल्कुल ऊपर ऊपर से गुजर जाता है, आपकी स्किन इतनी ज्यादा क्लीन नहीं होती है. ठीक है, तो आपने इसको इसके साथ क्लीन करना है. जब आपकी स्किन रूटीन कर रहे हैं डेली जब आप यूज करेंगे, तो फिर तो आपने वॉश ही करना है. ठीक है, फिर आपने ये वाले काम नहीं करना. ठीक है, अच्छी तरह से आपने अपने फेस और नेक को क्लीन कर लेना है. ठीक है, ये देखें, एक एक स्टेप के बाद आप देखते जाएंगे कि स्किन जो है वो काफी ज्यादा नीट और अच्छी लगती जा रही है. ठीक है, उसके बाद क्या करना है जी आपने, उसके बाद आपने अप्लाई कर लेना है टोनर. ठीक है, या मैं कर रही हूँ सॉफ्ट टच का टोनर यूज कर रही हूँ. काफी ज्यादा ये रिजनेबल प्राइस में आपको लोकल मार्केट से मिल जाता है और इस तरह का थिक सा टोनर है. ठीक है, बिल्कुल पानी की तरह नहीं है, थोड़ा सा लोशन की तरह ना थिक थिक सा है. इसको आपने अप्लाई कर लेना है. और इसको हम इसलिए अप्लाई कर रहे हैं क्योंकि अक्सर लड़कियां कहती हैं कि जब हम लोग फेशियल कराते हैं या हम लोग कोई भी स्किन रूटीन फॉलो करते हैं तो हमारी स्किन पे पिंपल्स आ जाते हैं या छोटे छोटे से दाने निकल आते हैं. उससे बचने के लिए हम लोगों ने ये टोनर अप्लाई करना है. इसकी वजह से आपकी स्किन के ऊपर कोई भी किस्म का किसी भी किस्म का इन्फेक्शन नहीं होगा. और अगर हो भी जाता है, क्योंकि सम टाइम आपके हाथ गंदे होते हैं, हाथ साफ नहीं होते, या क्लिंजिंग या फेशियल के बाद आपकी स्किन के ऊपर जो डस्ट पड़ती है उस वजह से आपको पिंपल्स निकल आते हैं, तो ये स्किन टोनर जो है वो आपको इस चीज से प्रोटेक्शन देगा और आपके जो ओपन पोर्स होंगे उनको साथ साथ श्रिंक करता जाएगा. ठीक है, इसके बाद आपने क्या करना है, आपने ले लेना है ये, मैं बेला ड्रीम का यूज कर रही हूँ स्क्रब, क्योंकि काफी ज्यादा माइल्ड है. और आपने जो आपके पास अवेलेबल हो आप वो वाला स्क्रब ले सकते हैं. ठीक है, इसको मैं इस तरह से अप्लाई कर रही हूँ. और स्क्रब की भी बहुत सारी वैरायटी आती है. अगर आपकी स्किन जो है वो नॉर्मल स्किन है तो फिर आपने थोड़े से ना वो देख लेने हैं उसमें ग्रेन्स, जो थिक वाले ग्रेन्स होते हैं वो आप ले लें, अगर आपकी नॉर्मल और या हार्ड स्किन है. ठीक है, उस पर वो ज्यादा अच्छा काम करेगा. और अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है और ड्राइनेस है तो फिर आपने ऐसे वाला स्क्रब चूज करना है जो बहुत ज्यादा माइल्ड हो. ठीक है, क्योंकि जो थिक ग्रेन्स वाला स्क्रब होगा उसमें क्रीम ज्यादा होती है, वो भी इतना ज्यादा हार्श नहीं होता कि आप सोचेंगे कि अगर मैं वो वाला लूं तो शायद वो बहुत ज्यादा मेरी स्किन को डैमेज करेगा, ऐसा नहीं है. लेकिन उसके ग्रेन्स थोड़े से थिक होते हैं, राउंड वाले होते हैं, तो आपकी स्किन के ऊपर जरा अच्छी से स्क्रबिंग कर देते हैं अगर आपकी स्किन नॉर्मल से थोड़ी सख्त वाली स्किन है. ठीक है, जिनको जल्दी जल्दी फर्क नहीं पड़ता वो उन लोगों के लिए. और जिन लोगों की स्किन ड्राई है उन लोगों ने बहुत ही माइल्ड वाला स्क्रब लेना है, सिर्फ बहुत ही फाइन से ग्रेन्स होते हैं. ठीक है, या बेस्ट है कि आप स्किन पॉलिशर यूज कर लें. ठीक है, इसको बिल्कुल मैं सर्कुलर मोशन में मसाज करती जाऊंगी. ठीक है, इस पे हमने कोई भी ना मसाज के स्टेप्स फॉलो नहीं करने हैं. ठीक है, इसको आपने सर्कुलर मोशन में ही मसाज करनी है. आपने इसके यू यू वाले स्टेप्स स्क्रब करते हुए कभी भी नहीं करने. ठीक है, ये देखें, बस हल्के हल्के हाथ से आपने इसको स्क्रबिंग करते जाना है. और वीक में अगर आप एक बार ये काम कर लेते हैं तो आपकी स्किन काफी ज्यादा नीट रहती है. फिर अगर आप जाके कभी फेशियल वगैरह ले लेते हैं तो आपकी स्किन के ऊपर बहुत ही जबरदस्त किस्म का फौरन से ग्लो आ जाता है, क्योंकि खुद से हमसे इतना अच्छा फेशियल नहीं होता है घर पे. अच्छा, इस पे थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ ताकि मेरे जो है हाथ जरा स्पीड से चले. ये देखें, ठीक है, इस तरह से ये काम आपने करते जाना है. बहुत माइल्ड वाले हाथ रखना है आपने मसाज करते हुए. ठीक है, अपर लिप्स का एरिया, साइड वाला एरिया, ये आपने इसमें जरूर ऐड कर लेना है ये चीजें. ये चीज ये देखिए, ये छोटे छोटे से स्टेप्स हैं ताकि आप लिप्स के साइड वाली ये थोड़ी सी एरिया ब्लैक होता है, नोज का ये एरिया ब्लैक होता है, तो इस पे आपने ये थोड़ा सा स्टेप ऐड करना है. बाकी आप सर्कुलर मोशन में सारे फेस और नेक को स्क्रब करते जाएंगे. ठीक है, ये कर लिया. ठीक है, उसके बाद आपने इसको भी वेट वाइप से ही साफ करना है, आपने वॉश नहीं करना. वॉश हम बिल्कुल लास्ट में करेंगे.
इसको आपने लिया और आपने बहुत ही जेंटल इसको क्लीन कर लेना है। जितनी भी डर्ट शर्ट है आपके फेस से ये सारी निकाल देंगे। देखें और जब भी आप कोई अपनी स्किन से रिलेटेड कोई काम कर रहे हो तो आप कोशिश करें कि आप मिनरल वाटर यूज करें, सिंपल पानी ना यूज करें। मैं ये सारा मैंने क्लीन कर लिया है, उसके बाद अगेन मैं सेम टोनर लूंगी और फिर अपने पूरे फेस पे अप्लाई कर लूंगी इस तरह से, बिल्कुल लाइट हाथ से। ऑयली और ड्राई स्किन वाले सब लोग ये स्किन रूटीन फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, ये देखें अच्छी तरह से आपने इसको अप्लाई कर लेना है। ये तो एक तो आपकी स्किन को हाइड्रेट भी करेगा और जितने पोर्स वगैरह ओपन होंगे ये उनको श्रिंक भी कर लेगा। ठीक है, उसके बाद मैंने इसको लगा के इसको ड्राई होने देना है। 2 से 3 मिनट में ये ड्राई हो जाएगा, फिर मैं आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट स्टेप पे अब हमने क्या करना है। अच्छा, 1 से 2 मिनट के बाद ये मेरा फेस बिल्कुल ड्राई हो चुका है। ठीक है, और आप देख लें इस पर काफी अच्छी सी शाइन लग रही है मजे की। इसके बाद आपने क्या करना है, सीरम अप्लाई करना है हेलोरॉनिक एसिड वाला। ठीक है, मेरे पास यहाँ पर ओजी नेचुरल का भी है, ये प्योर हेलोरॉनिक एसिड है। ठीक है, उस और एक मेरे पास ये वाला सीरम है। दोनों के रिजल्ट्स मुझे तकरीबन सेम लगते हैं। ये 2800 का है, ये 500 रुपीज का है। जो आपके बजट में फिट बैठे आप वो ले लें और काफी टाइम चल जाता है। ऐसा नहीं है कि भाई एकदम से खत्म हो जाता है। आजकल मैं ये यूज कर रही हूँ तो ये मेरा बहुत ही ज्यादा फेवरेट बना हुआ है। पहले मैं ये यूज कर रही थी, तो आप इन दोनों में से जो आपको पसंद आए या जो आपके पास अवेलेबल हो आप वो लगा लें अपने फेस पे। मैं दोनों ही अप्लाई कर लूंगी क्योंकि मुझे इनके रिजल्ट्स जो है वो अच्छे लग रहे हैं आजकल, उसका भी इस जैसा ही लग रहा है। ठीक है, ये अप्लाई किया। ठीक है, इसके बाद मैंने थोड़ा सा ये वाला इसके ऊपर अप्लाई कर रही हूं। इतना सा काफी होगा पूरे फेस के लिए। इस तरह से आपने हल्का हल्का से इसको अप्लाई कर लेना है। फाइन लाइंस को रिड्यूस करता है, पिगमेंटेशन को कंट्रोल करता है और आपके फ्रैकल्स पर भी ये बहुत इफेक्टिव है। उसके बाद मैं अप्लाई करूंगी मास्क के लिए लाइटनिंग। ये डर्मा शाइन का है और 450 रुपीज का ये आपको लोकल मार्केट से मिल जाएगा। ये ब्लीच एंड मास्क है और ये आपकी स्किन को 2 से 3 टोन तक लाइट कर देता है। तो मास्क से पहले मैंने हलरोनिक एसिड इसलिए अप्लाई किया है ताकि वो मेरी स्किन के ऊपर ज्यादा देर लगा रहे और इसके साथ मिक्स होकर वो मेरी स्किन पे ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स दे। ठीक है, इसको हम लगाएंगे तकरीबन 15 मिनट के लिए या 10 मिनट के लिए, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट हो, 15 मिनट या 10 मिनट जिस तरह आपको ठीक लगे आप ये इसको लगा लें। ठीक है, अच्छी तरह से इसकी एप्लीकेशन आपने कर लेनी है किसी सॉफ्ट ब्रश के साथ, क्योंकि अगर आप हार्ड वाला ब्रश यूज करेंगे तो आपकी स्किन पे काफी ज्यादा वो इरिटेट करेगा, जहां जहां वो लगता जाएगा आपको थोड़ी सी चुभन हो सकती है। तो बहुत सॉफ्ट ब्रशेस वाला आपने ब्रश यूज करना है। ठीक, ये देखिए इस तरह से आपने अप्लाई कर लेना है नेक एरिया पे। आपने कभी भी जब आप मास्क अप्लाई करें तो नेक एरिया पे नहीं करना है, जो मास्क ड्राई हो जाते हैं। ठीक है, ये मास्क ऐसा है कि ये ड्राई नहीं होता, इसमें क्रैक्स नहीं पड़ते, तो मैं इसको अपने नेक एरिया पे भी लगाऊंगी क्योंकि इसमें थोड़ा सा ब्लीचिंग का इफेक्ट भी है और ये स्किन को 1 से 2 टोन तक जो है वो लाइट कर देते हैं। जिन लोगों को ब्लीचिंग करते हुए इश्यू होता है कि वो ब्लीच नहीं अप्लाई कर सकते, उनको ब्लीच चुभती है, तो उन लोगों के लिए जो है काफी ज्यादा अच्छा है। लेकिन ये बाल ब्लीच नहीं करता, सिर्फ आपकी स्किन को लाइट करेगा क्योंकि इसमें कोई केमिकल ऐड नहीं है, इसमें अमोनिया ऐड नहीं है, तो ये आपकी स्किन को लाइट करेगा, आपके बालों पर इफेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, जो लोग स्टार्ट से ही अगर ये वाली प्रोडक्ट यूज करते हैं तो मेरे ख्याल से उनको ब्लीचिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जैसे हम लोग अब मेच्योर हो चुके हैं, हमारे हेयर्स हमारी स्किन यूज कर करके नॉर्मल वाली ब्लीच, तो हमारे ऊपर ये बालों पे असर नहीं करता। ठीक है, इसको मैंने अच्छी तरह से अप्लाई कर लिया है और अब मैंने 15 मिनट का वेट करना है और उसके बाद जो है आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है। अच्छा जी, फेस मैंने क्लीन करने के बाद इसको ड्राई कर लिया है तो बिल्कुल अभी फेस पे कुछ भी नहीं लगा हुआ। उसके बाद आपने क्या करना है, क्योंकि ये जो रूटीन है वो डे टाइम की है, तो आपने कोई भी सन प्रोटेक्टिंग क्रीम लगानी है। ठीक है, या आपने सन ब्लॉक डायरेक्ट यूज कर लेना है। ये एसपीएफ 40 के साथ है और ये जो सन क्रीम है मेरे पास एसपीएफ 80 के साथ है। अगर आपकी स्किन ज्यादा
सेंसिटिव है तो फिर आप ये वाली लगा लें, अगर नॉर्मल है तो आप ये लगा लें। ये जो सन ब्लॉक है ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट किस्म का है, ये देखिए इसको आप अप्लाई करें तो ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाता है, बिल्कुल पता नहीं लगता। और ये वाली जो सन क्रीम है ये थोड़ी सी जो है ना व्हाइट कास्ट आपके फेस पे छोड़ देती है, ये देखें, और 5-10 मिनट के बाद ना ये अच्छी तरह स्किन के अंदर जो है ना वो पेनिट्रेट हो जाती है। ये देखें थोड़ी सा ये व्हाइट लग रहा है और ये थोड़ा, अब आपकी मर्जी है, आपने इनमें से दोनों में से कोई भी चीज जो आपके पास हो वो आप यूज कर सकते हैं। मुझे ये सन क्रीम जो है वो ज्यादा अच्छी लगती है तो मैं इसको यही यूज करती हूँ, मैं सन ब्लॉक वो वाला इतना यूज नहीं करती हूँ। तो ये थोड़ी थोड़ी सी आपने अपने फेस पे लेके ना अप्लाई कर लेनी है और इसको अच्छी तरह से लगा लेना है। अच्छा, और एक और बात मुझे आप लोगों से शेयर करनी थी, तो वो ये है कि फ्रेश एलोवेरा जेल हम जो अपने फेस पे लगाते हैं, मैं अपनी डर्मेटोलॉजिस्ट के पास गई तो उसने मुझे रेकमेंड किया कि आप फ्रेश वाली एलोवेरा जेल अपने फेस पे ना लगाएं क्योंकि उसके साथ जो है फेस पे हेयरिंग होती है। तो जब भी आपने यूज करना है आप नॉर्मल जो बॉटल में आती है फ्रेश वो इस टाइप की एलोवेरा जेल वो यूज कर सकते हैं, तो फ्रेश वाली एलोवेरा जेल आप अपने हेयर पे यूज कर सकते हैं, लेकिन आप अपनी स्किन पे फेस पे यूज ना करें क्योंकि उसके साथ हेयर की ग्रोथ हो रही है। अब मुझे नहीं पता क्योंकि मेरा इस पर्सनल इसके साथ कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं रहा, अगर जो लोग यूज करते हैं तो वो नोटिस करें कि उनके फेस पे ऐसा कुछ तो नहीं हो रहा कि हेयरिंग हो रही है, अगर हेयरिंग हो रही है तो उस चीज को स्टॉप कर दे और अगर नहीं हो रही तो उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। मेरा अपना पर्सनल इस तरह का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं रहा तो इसके लिए मैं आपको कोई ओपिनियन नहीं दे सकती कि हाँ जी ऐसा है या ऐसा नहीं है, लेकिन एक बात मुझे पता लगी तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को, और मिलते हैं नेक्स्ट किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।